तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी यहाँ पर स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 3% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हमें स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 336 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 358, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 375, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 400 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 425 450 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 320 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 309 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 286 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।